बेशरम मोमेंट मार्केटिंग करते मोदी जी, भारत की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। जैसे ही यह खबर आई, देश भर में इस जीत की खुशी मनाई जाने लगी, क्योंकि 42 साल बाद ओलंपिक हॉकी जैसी प्रतिष्ठित स्पर्धा में भारत को कोई पदक मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फायदा उठाते हुए धड़ाधड़ 2 ट्वीट चिपका दिए। चलिए, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको टीम इंडिया की जीत की बधाई देने का हक बनता है। लेकिन दोपहर 12 बजे के लगभग एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से मोबाइल फोन पर स्पीकर ओपन करके बात कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सर। सर, आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। साफ नजर आ रहा था कि ये घटिया मार्केटिंग गिमिक है। अगर आपको बधाई देनी ही है तो आपको कॉल स्पीकर पर रखवाने की जरूरत ही क्या थी? आप वैसे बात नहीं कर सकते क्या, जैसे कान में लगाकर फोन पर नॉर्मल तरीके से बात होती है? दरअसल मार्केटिंग की दुनिया में इसे मोमेंट मार्केटिंग कहा जाता है। किसी चल रहे इवेंट्स में फायदा उठाने के लिए ब्रांड्स खुद को चालू कॉन्वर्सेशन में सम्मिलित कर लेते हैं। आज चारों ओर हमारी हॉकी टीम की इस जीत की धूम मची है। इस वीडियो के द्वारा विनिंग मोमेंट को पूरी बेशर्मी के साथ ब्रांड मोदी से जोड़ दिया जा रहा है। आज की ही खबर है कि पीवी सिंधु की पीआर एजेंसी ने मोमेंट मार्केटिंग करने के लिए ब्रांड और कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की है। यहाँ मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं। देश बर्बाद हो रहा है, चारों ओर भूख, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का तांडव है, पर मोदी को इस तरह की घटिया स्टंट करने से फुर्सत नहीं। प्रधानमंत्री, शर्म करो।